ये देखिए मेरे सामने इधर की ओर जो बर्फ़ का पहाड़ देख रहे हैं, ये बर्फ़ के पहाड़, ये जो है बॉर्डर लाइन है। इसके उस साइड पीछे की साइड रशिया है और इस साइड इधर की ओर हम अजरबैजान में हैं। और अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोका है, यहाँ पे इधर की ओर मेरी ये मार्केट है। यहाँ पे सुपर मार्केट को मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे आप अपनी खाने पीने की सामान जो लेना चाहें ले सकते हैं। ये हमारे वैन है और यहाँ से अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ पे लोकल भी पर्यटक आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। ऊपर की ओर चलते हैं। अब हमारे गाइडर साहब जो हैं, अब इस खिनालुंग विलेज का टूर कराने हमको लेके जा रहे हैं, वॉकिंग टूर। और इसके बारे में अभी मैं उनको माइक दूंगा तो इस विलेज के बारे में बताएंगे। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, ये खिनालुंग विलेज ये यूरोप का, एशिया या यूरोप का बॉर्डर है और बॉर्डर के सबसे ऊंचाई पे ये गांव बसा हुआ है। और जिसके एक तरफ यूरोप है और एक तरफ रशिया है। और ये जो खिनालुंग विलेज है दोस्तों, ये 2007 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में सम्मिलित हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अभी हम आगे की ओर चल रहे हैं गांव को घुमाने। और ये वो देखे जाते रहे, हम ही सबसे पीछे हैं। हम भी कुछ इस विलेज के बारे में आपको ज्ञान दे दें। ये जो विलेज है ये वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पे ये गांव बसा हुआ है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट में से एक है। सन 2007 में ये गांव यूनेस्को के हेरिटेज साइट में सम्मिलित हुआ है, ठीक है। बाकी यही है। और ऊपर की ओर लेके चलते हैं। ओह माय गॉड, भाई साहब पैदल चढ़ने में तो एकदम हालत ख़राब हो गई। और बात करें मोबाइल टावर की तो मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे फुल आ रहा है। अपना इंडिया का सिम भी काम कर रहा है जियो, लेकिन अगर आप फ़ोन उठाएंगे तो 100 रुपये प्रति मिनट चार्ज कटेगा, इसलिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी दूर हम चढ़ गए, करीब 20 कदम, तो सांस फूलने लगी हल्की हल्की। थोड़ी दूर वहाँ से हम ऊपर चढ़ के, देखिए साइन बोर्ड आ गया है यहाँ पे, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ जाना है ये लिखा हुआ है। आप इस साइन बोर्ड को देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ के लोग किस प्रकार, ये देखिए कंडे उबले, जो हमारे यहाँ गोबर के कंडे होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे कंडे रखे हुए हैं बड़े बड़े पात के, इससे आग जलाते हैं। सबसे ऊंचाई पे और सबसे पुराना विलेज है खिलांग विलेज, जो कि अजरबैजान में आता है। और इसको 2007 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। ये देखिए और ऊपर चल रहे हैं। आगे जुमा मस्क्वायर है, अर्थात जुमा मस्जिद है। भाई साहब चढ़ाई करने में ना सांस फूलने लगी यार। ये देखिए
बहुत ऊंचाई है भाई यार। भाई जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे ना, आपका गला एकदम सूखने लगेगा और मेरा भी गला सूखने लगा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे ये पहला स्पॉट पे जो हमें लेके आए भाई साहब, अंग विलेज का ये मस्जिद है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये पहला स्पॉट है और सांस फूलने लगी है भाई। चलिए चलते हैं इसके अंदर। अम्मा ये देखिए, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द हिस्ट्री ऑफ द इंटरग्राफी म्यूजियम ऑफ द खिलांग। और यहाँ पे अगर आपको दमे में की शिकायत है तो बिल्कुल ना है, यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे है तो ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको खांसी और सांस फूलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। देखिए वो देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पुराने जमाने के जूते वगैरह रखे हुए हैं, तराजू पुराने जमाने का। ये देखिए यहाँ पे कुरान रखी हुई है और यहाँ पे पूरी जो इनकी किताबें वगैरह पुरानी हैं ये रखी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, सुराही, तलवार, चाकू और ये सब रखे हुए हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यह म्यूजियम में खुद यहाँ के लोगों ने अपने अनुभव के हिसाब से बनाया हुआ है कि वह थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, करें इसको और बेहतर बनाने में। आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि ये म्यूजियम हमने पूरा देख लिया है और अंदर आपको दिखा दिया और यहाँ पे तस्वीरें भी अपनी खिंचा ली हैं और अब हम यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं आगे, आगे की तरफ। ये देखिए जो खिलांग विलेज है उनकी लाइफ स्टाइल दिखाने और ऊपर चढ़ रहे हैं भाई साहब। यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे ना वैसे वैसे यहाँ पे आपको सांस फूलेगी काफ़ी। ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ हैं और गलियों के माध्यम से हम ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए कुछ भी हो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है और टेलीफोन भी अवेलेबल है, टेलीफोन के तार हैं। जैसे हम थोड़ा और ऊपर आए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पूरे अजरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये आप जूम करके पढ़ लीजिएगा, पाउच करके पढ़ लीजिएगा, हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए gelirsen aeroporta bir tane özel bilet alırsan Türkiye, İstanbul'a gelirsen şu. Jibi ho yahan ki government ne yahan pe logon ko sari suvidhaen yahan pe light, bijli, pani muhayya karaya hai. Ye dekhiye yahan pe nal aur पानी का नल और बिजली और आगे टावर भी है, मोबाइल टावर सारा कुछ यहाँ पे यहाँ की सरकार ने उपलब्ध कराया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाड़ी भी लोग रखे हुए हैं, जीप वगैरह। ये देखिए यहाँ पे ईंटें, ये भी मिट्टी की हैं और यहाँ से अगर आप एक व्यू देखें तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू। और ये
थक गए भाई यार। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना, यहाँ से दृश्य जो है काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। आप ये देखिए, बर्फ़ के पहाड़, ये काला घोड़ा, ये देखिए, और इधर देखिए जो बाकी उससे जो हमारे गाइडर साहब आए हैं उनको भी नहीं पता, तो जो लड़की है ना वो यहाँ की रास्ता बता रही है कि कैसे कैसे हम लेके जा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखिए छोटा बच्चा भी हमारे साथ आया है, और यहाँ के जो बच्चे हैं ये आपको पूरा घुमा रहे हैं। वाह, और यहाँ से अगर एक दृश्य देखें तो यहाँ से खूबसूरत दृश्य और दिख रहा है। ये देख रहे हैं वहाँ हमारी कार है, वहाँ से हम पैदल चल के आए हैं, वो देखिए। और यहाँ से ये देखिए पूरा खूबसूरत नज़ारा। जो वहाँ पे होगा वो लाल कलर के, देख रहे हैं लाल कलर का सीटा जिस पे लगा हुआ है, वो एक स्कूल है। और ये जो आप वो तीन पहाड़ देख रहे हैं वो रसिया में है। अगर आपके पास रशियन पासपोर्ट है तो आप यहाँ से, आप रोड नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं। ये देखिए जैसा कि गाइडर साहब बता रहे हैं, और ये आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए और ऊपर हम चढ़ रहे हैं, इसके लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी हमें। वाह रे वाह, थक गया भाई, काफ़ी ऊंचाई ऊंचाई पे है। चढ़ आइडिया भाई चढ़, ऐसे नहीं बनेगा तू ट्रेवल ब्लॉगर। वाह, यहाँ पे भी और ऊपर लेके आ गए हैं भाई साहब। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ और हैं, और मेरे इधर की ओर देख सकते हैं आप, तो इधर के लिए मोबाइल टावर यहाँ पे लगे हुए हैं, 4G टावर। और यहाँ से अगर आप नीचे का व्यू देखेंगे तो नीचे का व्यू देख सकते हैं आप। मेट्रो में लग गया कोई, कहीं लग गया कोई, कहीं चला गया कोई, कहीं चला गया। यही तो ऐसी सकाल हो गया, चच्चा हमारे अभी भी वहीं रहते हैं बुलंदशहर। अच्छा, यही तो एक मौका है कि अपन मिल लेते हैं कभी टूर पे इधर कहीं कहीं भी कहाँ। काफ़ी हमारे वीडियोस पाकिस्तान में काफ़ी लोग देखते हैं। तो भाई साहब जैसा कि हमने यहाँ पे फोटोग्राफी खिंचा लिया है, और यहाँ पे यार बड़ी खतरा है कि यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो बहुत संभल के, क्योंकि अगर स्लिप करेंगे तो पैर एकदम आपका फिसल सकता है। ठीक है, ये देखिए ये देख रहे हैं, ओह माय गॉड। तो बहुत ही संभल के आए, और हमारे गाइडर साहब ने बताया कि आप घूमने आ रहे हैं तो आपको एक दिन के लिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा होगा ये, लेकिन ज़रा उनसे पूछे जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो किस प्रकार अपना जीवन व्यापन करते हैं। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं फाइनली अपने वैन की तरफ, और यहाँ से भाई बी केयरफुल, बहुत आराम से चले, अच्छे जूते पहन के आएँ, क्योंकि अगर एक स्लिप हुई ना गुरु तो फिर बहुत बड़ी आपको नुकसान हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ के ट्रक, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के ट्रक हैं छोटे छोटे, आप इस ट्रक को देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा है। कैसे आया होगा ये, क्योंकि गलियाँ तो छोटी छोटी हैं, लेकिन खड़े हैं तो खड़े हैं।
कैसे कैसे यहाँ के लोगों ने सरवाइव किया है, काफ़ी बहुत ही मेहनत किया है। अब तो हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिजली, पानी, स्कूल और वाईफाई और मोबाइल की व्यवस्था करा दी है, लेकिन फिर भी यहाँ का जीवन यापन बहुत बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए यहाँ का प्यारा सा बच्चा जिसके साथ हम सब पर्यटक तस्वीरें खिंचाते हुए, और इसके साथ मेरी इस DJI एक्शन 4 की दूसरी बैटरी भी समाप्त होते हुए अभी हम बैटरी चेंज करेंगे और आगे की ओर जाएंगे। हालांकि यहाँ पे जब आप चढ़ेंगे तब आपकी हालत ख़राब होगी, उतरने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा जब चढ़ेंगे ना तब थोड़ी सांस फूलेगी, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ के देसी मुर्गे देख रहे हैं यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, ये देखिए यहाँ के देसी मुर्गे, वाह वाह। थोड़ी दूर वो देखिए वहाँ पे हमारी वैन खड़ी है, बस अब लगता है लास्ट ही स्पॉट है, इसके बाद तो कहीं नहीं जाएंगे, इसके बाद शायद हमें बाकू ही लेके चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे टोपी और दस्ताने बेचते हैं, अगर आप लेना चाहें तो इनसे ले सकते हैं। ये एक चीज़ है, यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं करते, लेके खड़े रहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो मत लीजिए। तो भाई लोग जैसा कि अब हम पूरा घूम घाम के खिलांग विलेज का पूरा पहाड़ी पे टूर करके आ गए हैं हम अपने वैन के पास, शायद ये आखिरी ही पड़ा होगा, इसके बाद शायद हम कहीं नहीं जाएंगे या शायद अपने बाकू शहर ही जाएंगे, 3-4 घंटे जाने में लगेगा यहाँ से। अभी समय हो रहे हैं 5:20, लगता है 9 बजे तक पहुँच जाएंगे हम वहाँ। हाँ, जैसे अगर आप उस पहाड़ी पे घूम के आएंगे ऊपर में, तो अगर आपको वॉशरूम आ रहा है तो उसका चार्ज है 20 सेंस, ठीक है। तो मुझे लगी है तो मैं जाऊँगा, अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चलिए अब थोड़ा वॉशरूम वगैरह करते हैं फिर आगे चलते हैं। भाई साहब पूरा हमने खलांग विलेज घूम लिया है और अभी हम खलांग विलेज से निकल रहे हैं बाकू के लिए, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, बीच में कहीं रोकते हैं तो भी बताएंगे, ठीक है, बने रहिए। वैसे भी अब ब्लू लाइट हो गई है, क्या दिखा। और अभी बज रहे हैं 6:40 और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने गाड़ी यहाँ पे रोकी हुई है, ये शायद कुछ फ्रेश व्रेश होने के लिए गाड़ी रोकी हुई है, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जैसे हम पहाड़ से एकदम नीचे को उतर रहे हैं ना, पूरा एकदम धुंध पूरा दिख रहा है, दिख रहा है एकदम। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी हुई है, आप ये देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट को। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, ये रेस्टोरेंट है, यहाँ थोड़ी गर्मी है, यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही है, देखिए मिठाइयाँ, देख सकते हैं ये कॉफी वगैरह तरह तरह के। ये यहाँ पे पूरा इस तरह
ये देख लीजिए यहाँ पे यहाँ की लोकल मिठाइयाँ, जो कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे सैफरोन वगैरह जड़ी बूटियाँ जो भी हैं, प्राग लेना चाहें तो ले सकते हैं पहाड़ी। और ये देखिए क्रोकोडायल, ये देखिए, और ये देखिए बाकू के फ्लेम टावर का दृश्य दिख रहा है। तो गाइस सभी समय बजे करीब 7:15 और आधे घंटे हम यहाँ रुके, जिसको कुछ खाना पीना है खाना पीना खाया, और जो कॉफ़ी भी पीना है कॉफ़ी भी पिया, और जिसको यहाँ पे ट्रेडिशनल सैफरोन वगैरह केसर वगैरह लेना है उन्होंने लिया। अब उसके बाद अब हम चल रहे हैं अपने गाड़ी में बैठने और लेके चल रहे हैं बाकी की तरफ। बने रहिए, ये देखिए अभी समय बज रहे हैं 9:54 और हम अभी आ गए हैं वापस बाकू। 9 हम यहाँ से चले थे सुबह गुबा और खिलांग टूर पे, और अभी बज रहे हैं रात के 9:54 और हम वापस आ गए हैं। ये हमारी गाड़ी वापस हमें ड्रॉप कर दी है ये ओल्ड सिटी जहाँ पे इनका ऑफिस है, और यहाँ से चले चलते हैं हम पेमेंट वेमेंट करते हैं और कल की टूर का प्लान करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने होटल। तो इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का कुबा और खिलांग विलेज टूर का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता है कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगली वीडियो में एक और नई जगह से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। तो भाई लोग जैसा कि सफलतापूर्वक अभी हम अपने जैसे अजर भाई ने एयरलाइंस के विमान में बैठ चुके हैं, और अभी हमारा विमान टेक ऑफ होने वाला है। विंडो सीट मिल गई है, और आगे का ये प्लेन का दृश्य देख लीजिए आप। तो ये देख लीजिए, ये है प्लेन का दृश्य अजरबैजान एयरलाइंस का। और यहाँ से इधर की ओर देखें तो यहाँ से आप ये बाहर का व्यू देखिए। अभी फ्लाइट टेक ऑफ करेगा तो बाहर का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ की तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है।